चाणक्य आईएएस करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फाइव आईज अलायंस के बारे में। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का भारतीय एजेंटों पर आरोप लगाने और भारत के साथ राजनयिक संबंधों को एक नए निचले स्तर पर ले जाने के बाद कैनेडा जिन प्रमुख क्षेत्रों से समर्थन की उम्मीद कर रहा था, उनमें से एक है फाइव आईज खुफिया गठबंधन। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये है क्या और इसकी उत्पत्ति कब हुई और बाकी सभी विषय के बारे में। फाइव आईज एक खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। ये राष्ट्र बहुराष्ट्रीय यूके यूएस समझौते के हस्ताक्षरकर्ता देश है। यह संधि सिग्नल इंटेलिजेंस में सहयोगात्मक प्रयासों पर केंद्रित है। ये भागीदार देश दुनिया के सबसे मजबूती से जुड़े बहुराष्ट्रीय समझौतों में से एक के तहत खुफिया जानकारी के मजबूत आदान प्रदान में संलग्न है। समय के साथ संगठन ने अपने प्रमुख समूह से आगे बढ़कर 9 आईज और 14 आईज गठबंधनों को शामिल किया है, जिनमें अतिरिक्त देशों को सुरक्षा भागीदारी के रूप में शामिल किया गया है। 9 आईज समूह का विस्तार नीदरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और नॉर्वे को शामिल करने के लिए किया गया था, जबकि 14 आईज ब्लॉक में बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्पेन और स्वीडन को शामिल किया गया है। अब हम देखेंगे फाइव आईज अलायंस की उत्पत्ति के बारे में। इस गठबंधन की उत्पत्ति का पता द्वितीय विश्व युद्ध से लगाया जा सकता है, जब ब्रिटेन और अमेरिका ने क्रमशः जर्मनी और जापानी कोड को सफलतापूर्वक तोड़ने के बाद खुफिया जानकारी साझा करने का फैसला किया था। 1943 में ब्रिटेन यूएस समझौते ने यूके यूएस से समझौते में विकसित होने के लिए आधार तैयार किया। ब्रूसा का उद्देश्य यूरोप में अमेरिकी सेनाओं के समर्थन में दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करना है। इसके बाद 1946 में यूके यूएसए समझौते पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 1949 में कनाडा शामिल हुआ और इसके बाद 1956 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हुए, जिससे गठबंधन मजबूत हुआ। हालांकि समझौते के अस्तित्व को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था, यह 1980 के दशक से ज्ञात हुआ। हालांकि 2010 में यूके यूएसए समझौते की फाइलों को सार्वजनिक कर दिया गया था। फाइव आईज अलायंस के सभी सदस्य अपने और अलायंस देश की खुफिया जानकारी साझा करने के साथ साथ सुरक्षा चुनौतियों के प्रति भी एक दूसरे को सचेत करते रहते हैं। खासकर चीन के उदय और उसके मजबूत होने के बाद से फाइव आईज अलायंस ज्यादा सक्रिय है। अब हम बात करेंगे इस संगठन के कार्य के बारे में। सभी 5 देशों की विभिन्न एजेंसियां मानव खुफिया, सिग्नल इंटेलिजेंस, सुरक्षा खुफिया, भूस्थानिक खुफिया और रक्षा खुफिया जानकारी साझा करती है। सिग्नल इंटेलिजेंस या SIGINT इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और नेटवर्क जैसे संचार प्रणालियों, जैसे मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट, रडार और हथियार प्रणालियों से प्राप्त जानकारी को संदर्भित करता है। भूस्थानिक खुफिया या स्थान खुफिया उपग्रह छवियों और स्थान की जानकारी जैसे डेटा से संबंधित हो या फिर कल्पना और भूस्थानिक जानकारी एवं सेवाओं के सभी पहलुओं को शामिल करता है। इसके साथ ही आज का ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।